पासपोर्ट में किसी भी तरह का करेक्शन कराना अब बहुत ही आसान हो गया है। अब आप अपने नाम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, जन्म की तारीख आदि आसानी से चेंज करा सकते हैं। नए नियमों के तहत खास बात यह है कि सारे करेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे करेक्शन प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप अपने पासपोर्ट में क्या क्या करेक्शन, क्या क्या चेंजेस करा सकते हैं। सबसे पहले आता है नाम। आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करा सकते हो, या अगर आपके नाम में जो सरनेम है आप उसको चेंज कराना चाहते हो तो आप उसको भी चेंज करा सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है मैरिटल स्टेटस। अगर आपने पासपोर्ट सिंगल होने की कंडीशन में बनवाया था, उसके बाद आपका विवाह हो गया है और अब आप अपने पासपोर्ट में अपने मैरिटल स्टेटस को मैरिड शो कराना चाहते हैं, तो ये भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है डेट ऑफ बर्थ। आप आसानी के साथ अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है एड्रेस। अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है और अब आप अपने पासपोर्ट में भी अपने एड्रेस को चेंज कराना चाहते हैं, तो ये भी आप आसानी के साथ करा सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट अपग्रेड माइनर टू मेजर। अगर आपने 18 साल से कम की उम्र में अपना पासपोर्ट बनवाया था और उसके बाद अब आप 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, तो अब आपको अपने पासपोर्ट को माइनर से मेजर में अपग्रेड कराना पड़ेगा और ये भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इन सारे के सारे चेंजेस के लिए, इन सारे के सारे करेक्शन के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के अपने पासपोर्ट को रीइशू कराना पड़ेगा। और रीइशू कराने से पहले आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको फिल करना है और फिल करने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी और फीस पे करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। उस अपॉइंटमेंट को आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और अगर आपने एड्रेस चेंज करने के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि पुलिस वेरीफिकेशन भी आपके घर पर आए। पुलिस वेरीफिकेशन के बाद आपका नया पासपोर्ट आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे पासपोर्ट को रीइशू कराना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस चेंजेस के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट रीइशू कराने के लिए सबसे पहले आपको passportindia.gov.in वेबसाइट को अपने URL में टाइप करना है, या आपको सिंपली टाइप करना है PASSPORT पासपोर्ट और एंटर कर देना है। एंटर करते ही गूगल में सबसे पहले जो वेबसाइट आती है यही पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर आ जाना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, पासपोर्ट के सभी काम यहीं से होते हैं। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वो भी इसी वेबसाइट से बनेगा। अगर आप अपने पासपोर्ट में कोई करेक्शन चाहते हैं, कोई चेंजेस चाहते हैं, तो वो भी इसी से किया जाएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट भी इसी वेबसाइट से मिलेगी। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है यूज़र नेम और पासवर्ड लेने के लिए। उसके लिए सिंपली यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र पर क्लिक करते ही आपको यहाँ एक छोटा सा फॉर्म मिलता है, आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आपको चूज करना है कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस में आप जाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, कौन से पासपोर्ट ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके लिए यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ बरेली। आप यहाँ जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम देना है और अगर सरनेम है तो वो आपको यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी बन जाए तो आपको यहाँ से यस कर देना है। यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी डालोगे वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है और उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर चूज करना है। क्वेश्चन चूज करने के बाद यहाँ उसका आंसर देना है, ताकि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाएँ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना है और सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल की थी, उस ईमेल आईडी पर आपके एक ईमेल आएगा कुछ इस तरह का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। इसमें आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक लिंक मिलेगा और लिंक पर लिखा हुआ है, प्लीज़ क्लिक द लिंक बेलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है।
इस लिंक पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एंटर यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में आपको वो आईडी डालनी है जो कि आपने यहाँ चूज करी होगी लॉगिन आईडी में। यहाँ आप जो भी आईडी चूज करेंगे आपको सिंपली वो आईडी यहाँ डाल देनी है और सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास एक दूसरा ईमेल आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का। तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कंग्रेचुलेशन यूर रजिस्टर्ड अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। कि अब आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है। सिंपली होम पर वापस आना है और होम पर आने के बाद आपको अब लॉगिन करना है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। तो अब सिंपली एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको लॉगिन आईडी डाल देनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन मिलना है, आपको यहाँ सिंपली पासवर्ड डालना है और यहाँ से कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ किसी को नहीं देखना है, सिंपली डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड ई फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है फ्रेश और री इशू ऑफ पासपोर्ट। यानी कि अगर आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हो या री इशू करा रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ से क्लिक हेयर पर क्लिक करके एक फॉर्म को डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ क्लिक हेयर पर मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर एक फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपली इसको शो इन फोल्डर करूंगा और ये जिप फाइल है इसलिए मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्म आ चुका है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए। पीडीएफ फॉर्म को ओपन करने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरह का शो होता है। आपको इस पूरे के पूरे फॉर्म को ध्यान के साथ फिलअप करना है। सबसे पहले ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आपको री इशू चूज करना है, फ्रेश चूज नहीं करना। तो री इशू पासपोर्ट चूज करते ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप अपने पासपोर्ट की अगर वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं तो वो चूज कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट खोया गया है या डैमेज हो गया है तो आप डैमेज पर चूज कर सकते हो, लॉस्ट पर चूज कर सकते हो। अगर आपका 36 पेजेस का पासपोर्ट है, आप उसको 60 पेज का बनवाना चाहते हो तो आपको यहाँ इस पर चूज करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पार्टिकुलर्स इस पर चेकमार्क करेंगे। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस चीज़ में चेंजेस चाहते हो। यहाँ आपको अगर डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करेंगे। अगर आपको सिग्नेचर चेंज कराने हैं तो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नेम चेंज कराना है तो नेम पर क्लिक करेंगे। सरनेम चेंज कराना है तो सरनेम पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है तो आप सिंपली यहाँ पर एड्रेस चूज़ करेंगे। अगर आपको कोई और चीज़ करानी है जैसे कि अपने सिंगल पासपोर्ट को मैरिटल यानी कि मैरिड शो करना है तो आप सिंपली अदर पर यहाँ चूज़ कर लेंगे। ओके, तो इन सारे चेंजेस में से फॉर एग्जांपल हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो सिंपली हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा, आपको नॉर्मल या तत्काल में से कोई एक चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नॉर्मल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पासपोर्ट में चूज करना है कि कितने पेजेस का आपको चाहिए, 36 पेजेस या 60 पेजेस। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ 36 पेजेस वाले में आपको 31 पेजेस मिल जाते हैं इमिग्रेशन और स्टाम्प के लिए, और 60 पेजेस वाले में आपको 55 पेजेस मिल जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम देना है, यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको पूरा का पूरा फॉर्म एज इट इज़ फिल करना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपको चेंज करानी है। उसके बाद आपको ये सारी की सारी डिटेल बिल्कुल वैसे ही फिल करनी है जैसे कि आप किसी नए पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए फिल करते हो। और ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद सिंपली यहाँ वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक कर देना है और इस फॉर्म को सेव कर लेना है। फॉर्म को सेव करने के बाद आपको वापस अपनी वेबसाइट पर आ जाना है और साइट पर आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है अपलोड ई फॉर्म। अपलोड ई फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने जो फॉर्म आपने फिल किया है उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं कि क्या आप SMS सर्विस लेना चाहते हैं या नहीं। SMS सर्विस ये होती है कि इससे आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चलता रहता है, लेकिन इसके लिए आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर देंगे कौन से नंबर पर आपको पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको अनचेक करिए, नो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नो करना है और इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यही आपको ऑप्शन मिल जाएगा फी सबमिट करने का, आपको सिंपली फीस सबमिट कर देनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ फीस सबमिट कैसे करनी है। हम सिंपली इसको अपलोड करने के बाद जाएंगे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ सारे फॉर्म शो हो जाएंगे जो आपने सबमिट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखी एक फॉर्म सबमिट कर रखा है तो मैं इसको चूज करूंगा।
इसको चूज कर दे, यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। आपने पेमेंट नहीं किया है तो सिंपली पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप चालान के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आप चूज करोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद बिल्कुल वही प्रोसेस है जो आप फ्रेश पासपोर्ट में करते हो। पूरा पेमेंट करने के बाद आपको वापस आना है, और वापस आने के बाद आपको अपने पासपोर्ट को यहाँ से व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। सिंपली यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट करके रख लीजिए। प्रिंट करने के बाद आपको जो भी डेट मिली है, अपॉइंटमेंट मिली है, उसी डेट को आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाना है और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई किया है तो आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन भी आ सकता है, और उसके कुछ दिनों के बाद ही आपका पासपोर्ट आपके न्यू एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो ये सारे का सारा प्रोसेस हो गया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आपको किस चेंजेस के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप नाम चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पासपोर्ट में नाम गलत है, या शादी के कारण आपको सरनेम बदलना है, या फिर नाम में कुछ नया जोड़ना है, या नाम से कोई शब्द हटाना है, तो आपको वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पासपोर्ट को रीइशू करा के सबमिट करके फीस पे करके अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको नाम चेंज कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपना पुराना पासपोर्ट देना पड़ेगा जो कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है। इसके अलावा पासपोर्ट के पहले और आखिरी दो पेजेस की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके अलावा नया आईडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नाम बदलने का गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर शादी होने के बाद आप सरनेम चेंज कराना चाहते हैं तो, कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए अगर नाम में कुछ ऐड या डिलीट कराना चाहते हैं, और पैन कार्ड होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एड्रेस चेंज कराने के लिए भी आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पासपोर्ट रीइशू कराना है। रीइशू कराने के लिए उसके फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके अपलोड करना है, और फी पेमेंट करनी है। इसमें लगभग आपके 1500 रुपये का पेमेंट होता है। पेमेंट करने के बाद आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपको वहां पर एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उसी डेट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एड्रेस को चेंज कराने के लिए। पहले आपको देना पड़ेगा पुराना पासपोर्ट, दूसरा है पानी या बिजली का बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, वोटर आईडी, स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैरिटल स्टेटस को चेंज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। शादी के बाद पति पत्नी दोनों के लिए पासपोर्ट को रीइशू कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दोनों को एक साथ विदेश जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। मैरिटल स्टेटस बदलवाने के लिए आपको वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं। पहले पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पासपोर्ट रीइशू फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना है, फिल करने के बाद उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद फीस पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, उसी अपॉइंटमेंट पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको मैरिटल स्टेटस चेंज कराने के लिए। आपको अपने पति या पत्नी के पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पेज की सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो देनी होगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ में पर्सनली पासपोर्ट ऑफिस भी जाना होगा, क्योंकि तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ में नहीं जाएंगे तो पासपोर्ट ऑफिस आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आप मैरिटल स्टेटस को चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपने पति या पत्नी के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं और शादी के बाद आपको सरनेम चेंज कराना है तो आपको अपने पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी और नगर निगम या नगर पालिका से बनवाए हुए मैरिज सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी लगवानी पड़ेगी। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोर्ट से एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको शादी का कार्ड और फोटो भी लगानी पड़ेगी। अगर तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद आपको पासपोर्ट को अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आपका तलाक हुआ है या फिर किसी और वजह से आपने दोबारा शादी की है तो भी आपको पासपोर्ट में अपनी डिटेल्स चेंज करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको पिछले मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट के साथ आपको कोर्ट से मिले तलाक के ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी को भी पासपोर्ट ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे चेंज कराना है। अगर आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे बदलवाने के लिए आपको वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद पासपोर्ट को रीइशू कराने के लिए फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद फीस पेमेंट करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट के बाद आपको ऑफिस में जाना है कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए।
पुराना पासपोर्ट यानी ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट के पहले और आखिरी दो पेजेस की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, नया आईडी सर्टिफिकेट, नगर निगम का बनाया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप अपने पासपोर्ट को माइनर से मेजर में अपग्रेड कैसे करा सकते हैं। यानी अगर आपने 18 साल से कम की उम्र में पासपोर्ट बनवाया था, उसके बाद आप 18 साल के हो गए हैं, तो आप अपने पासपोर्ट को अपग्रेड कैसे करा सकते हैं। 16 साल से 18 साल के टीनेजर का पासपोर्ट 10 साल के लिए बनता है। 18 साल के बाद माइनर से मेजर में कन्वर्ट कराने के लिए आपको फिर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। आप फ्रेश पासपोर्ट की तरह अप्लाई कर सकते हो या फिर पासपोर्ट को आप रिश्यू भी करा सकते हो। बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए माता पिता में से किसी एक का अपडेटेड पासपोर्ट होना जरूरी है। अपडेटेड पासपोर्ट से मतलब है कि शादी के बाद पति और पत्नी के पासपोर्ट पर स्पाउस का नाम होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको माइनर से मेजर में अपडेट कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहले आपको देना पड़ेगा पुराना पासपोर्ट, पेरेंट के पासपोर्ट, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। और इसके जो स्टेप्स हैं आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। आपको वहां जाकर के पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको फ्रेश पासपोर्ट की तरह से फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आपको वही रीइशू वाला फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपको फी पेमेंट करनी है 1500 रुपये और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दी गई अपॉइंटमेंट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप पासपोर्ट में कोई भी करेक्शन आसानी के साथ कैसे करा सकते हैं। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।